अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान गई अंजू लगातार सुर्खियों में है। पहले तो अंजू ने दावा किया कि वह पाकिस्तान घूमने और अपने एक दोस्त से मिलने गई है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे अंजू पर शक बढ़ता गया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अंजू अब फातिमा बन गई है, साथ ही उसने अपने फेसबुक लवर नसरुल्लाह से निकाह भी कर लिया है। अंजू की कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आया है। अंजू के पति अरविंद ने उस पर केस कर दिया है, लेकिन लोगों के मन में सवाल उठ रहा कि अरविंद ने इतने दिनों बाद केस क्यों किया। दरअसल अरविंद को अंजू की एक बात पसंद नहीं आई। अंजू ने कुछ ऐसा कहा कि अरविंद आग बबूला हो गया। पाकिस्तान गई अंजू का वीजा 20 अगस्त को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब उसका वीजा 2 महीने के लिए पाकिस्तान सरकार ने बढ़ा दिया है। वहीं फातिमा बनी अंजू ने कहा कि उसे अपने बच्चे बहुत याद आते हैं। बता दें कि अंजू के 2 बच्चे हैं, दोनों नाबालिग हैं। बीते दिनों अंजू की 15 साल की बेटी ने कहा था कि वो अब अपनी माँ से कभी नहीं मिलना चाहती। अरविंद ने बताया कि मैं और मेरे बच्चे अब अंजू से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। पति ने यह भी दावा किया कि अंजू उन्हें बार बार परेशान कर रही है, साथ ही उन्हें धमकी भी दे रही है। दरअसल अंजू यह चाहती है कि अपने दोनों बच्चे को लेकर वह पाकिस्तान में रह जाए। हालांकि इसके लिए ना तो अरविंद और ना ही उनके बच्चे तैयार हैं। अंजू की इसी बात से गुस्सा होकर अरविंद ने उसके और नसरुल्लाह के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। अरविंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं बच्चों के लिए और मुझे बताकर नहीं गई, इसके लिए शिकायत दर्ज कराने आया। बच्चे परेशान है, वो बच्चों को ले जाने की धमकी दे रही है। उसने कहा कि बच्चों को ले जाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ।